हमीरपुर सदर अस्पताल में कराई गई भर्ती ये महिला दबंगों का शिकार हो गई। आपको बता दें कि ये महिला स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को खुले में शौच के लिए मना करती थी, लेकिन कुछ दबंगों ने इसकी मार मार कर मनोरंजन स्थिति कर दी। के कारण मेरी पत्नी का बच्चा खत्म हो गया। मैं आया तो मेरे भी सिर पे लाठी मार दी और पैर में लाठी मार दी, और मेरे माँ और शिवराम यादव ने आकर के बीच बचाव किया, और जिसकी सूचना मैंने थाने व प्रभारी चौकी इंचार्ज कुनेठा को दी। चौकी इंचार्ज ने मुझे ही धमकाया और कहा कि तुम बदतमीज हो। लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं खर्च करके लोगों को जागरूक करती है, लेकिन वहीं कुछ दबंगों ने इसको मार मार कर मरसन स्थिति में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ये महिला लोगों को स्वच्छ अभियान के लिए लोगों को जागरूक करती थी, लेकिन इसे क्या पता कि जागरूक करना इसे पड़ जाएगा इतना तो महंगा। बगल का एक पड़ोसी शंकर ने आकर मेरे सामने बाथरूम करने लगा। जब मैं उससे बोली कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तू मेरे सामने बाथरूम कर रहा, तभी उसने मेरे को गालियां दी और मेरी साड़ी पकड़ कर खींच लिया और मेरे पेट में दो चाल लाते मारी, जिससे मेरे पेट में बच्चा था, मेरे पेट का बच्चा खत्म हो गया। जब मैं चिल्लाई, जब मेरा पति आया, मेरे पति के सर पे लाठी मार दिया और पैर पे भी मार दिया। फिलहाल ये महिला बहुत ही डरी हुई है। एक तरफ ये भी देखा जाए कि आखिर ऐसे कैसे कर सकते लोग। एक मरीज़ है रीता नाम की, न्यूरिया थाना क्षेत्र से ये मरीज़ आया है, और उसमें ये है कि उसकी प्रेगनेंसी थी 2 महीने की। तो उसने ये एलिगेशन लगाया है कि पड़ोसियों से मारपीट के दौरान जब उसके पति को बचाने के चक्कर में उसका उसको पेट में चोट लगी। अब वो मेरे पास 5 दिन पहले आई थी कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, और कल वो ब्लीडिंग के साथ में मेरे पास फिर से आई, तो उसके अल्ट्रासाउंड में ये जानकारी मिली कि उसका उसका गर्भपात हो गया है। तो गर्भपात होने की वजह से फिर चूंकि मरीज़ की को बचाना भी था, मरीज़ की जान खतरे में पड़ रही थी, इसलिए हमें उसका गर्भपात करना पड़ा। और बाकी अभी मरीज़ की स्थिति ठीक है, मरीज़ सही है, बाकी आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस के हिसाब से आगे।